विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और देखिए AIMIM के विधायकों का प्रदर्शन है। हमारे साथ अख्तरुल इमाम इस वक्त हैं। सर, किन चीज़ों को लेकर के आप लोग का प्रदर्शन? देखिए, मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम लोगों ने जिस मसले को अवलियत दी है वो ये है कि नीति आयोग की रिपोर्ट अभी आई है जिससे हर बिहारी का शर्म सर से झुक गया है। वो ये है कि पूरे देश के अंदर में बिहार सबसे फिसड्डी साबित हो गया है और AIMIM जो पिछले दिनों से मुतालबा कर रहा था कि सीमांचल का क्षेत्र सबसे पिछड़ा है, निरक्षर है, पलायन है, गरीबी है, बीमारी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, उन सारी हमारे मुतालबात को नीति आयोग ने आज सर्टिफिकेट दे दिया है कि पूरे बिहार के अंदर में किशनगंज पिछड़ा है और किशनगंज के करीब करीब के जिले यानी सीमांचल पिछड़ा है। इसलिए हम लोग इंसाफ के साथ, तरक्की न्याय के साथ, विकास का दावा करने वाली सरकार से मुतालबा करते हैं कि अगर न्याय के साथ आप विकास कर रहे हैं तो सीमांचल की इस पट्टी को जो गरीब होते जा रहा है इसको साथ आप इंसाफ कीजिए, स्पेशल पैकेज दीजिए और धारा 371 के लिए सिफारिश कीजिए हमारे लिए, उसी का मुतालबा AIMIM कर रही है। JDU के कुछ लोगों का कहना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट ही गलत है। अब अगर ये गलत बताएं तो ये उनका काम हो सकता है, लेकिन मामला ये है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के बुनियाद पर ही केंद्र सरकार से पॉलिसियाँ तय होती हैं और उनके अगर फेवर में आ जाए तो कहेंगे कि नीति आयोग तो बड़का सरकारी इदारा है और जब उनके फेवर में नहीं आया है तो वो उसको गलत ठहरा रहे हैं। ये मन की बात, जो अपने मन की जो बात करेगा वही हमसे प्रेम करेगा वाली कहानी है इनकी। उनके मन की जो बात करेगा, दिन को कह रात तो रात कहेगा, ऐसे ही लोगों को मानते हैं जो सच्चाई का आईना दिखाते हैं। सच्ची और अच्छी सरकार को सरकार के आईने को देखकर अपने चेहरे के दाग को धोलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि नीति आयोग ने 16 साल बेमिसाल बाकमाल को आईना दिखाया है कि इन 16 सालों में चले दिन भर खड़े वहीं पर आप हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आप पिछले पायदान में थे और पिछले पायदान में हैं और अगर अपने आपने काम काज में सुधार नहीं किया तो आप पिछले पायदान में ही रहेंगे। ये सवाल तो हमारे राज्य के लिए है, लेकिन नीति आयोग ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया है कि पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा सीमांचल है और किशनगंज सबसे पिछड़ा है, इसलिए आप धारा 371 लागू कीजिए, स्पेशल पैकेज दीजिए, ये मुतालबा AIMIM का है। नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में मुख्यमंत्री को अब तक जानकारी नहीं है? अब माने मुख्यमंत्री के पास कुछ चीज़ों को, अब आदमी अगर कोई सूरज को नहीं देखे और कहे कि दिन नहीं हुआ है, रात ही है, तो ये उनका अपना मनसा हो सकता है। नीति आयोग में सारे अखबारों में खबरें छप रही हैं, मीडिया में बातें हो रही हैं, बात हो रही हैं और अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री को नहीं है तो हम लोग खबर दे रहे हैं उसको। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाए समाधान, अभी कॉल करें 8448277903। अख्तरुल इमाम हमारे साथ है और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज जो है AIMIM के विधायकों का प्रदर्शन है और नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर के जो हालिया रिपोर्ट आई नीति आयोग को, जिसे 50% जो बिहार की आबादी है उसको गरीब बताया गया, उसको लेकर के आज जो है मुद्दों को उठाया जाएगा सदन के अंदर।